हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई के 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं जो अब तक पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन मुख्यमंत्री से पूछा गया है, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है, बैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, आपके जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो टोटल चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से बैसिलस के बारे में पूछा गया है। तो बैसिलस का आकार होता है छड़ के समान, तो उसको हम छड़ाकार बोल देते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम रोड शेप्ड, यानी उसकी जो शेप है वो रोड के आकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि जीवाणु चार प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से केवल दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बैसिलस और एक कोकई। बैसिलस आपसे पूछ लिया गया है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोकई पूछा जाए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोकई जो जीवाणु होता है वो गोलाकार होता है। आगे क्वेश्चन है विटामिन ए का मुख्य स्रोत, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर गाजर नहीं दिया होगा तो आपको जरूर कोई मीठा फल दिया होगा, जैसे गाजर के बाद सेब में भी पाया जाता है विटामिन ए, पके हुए आम में पाया जाता है, जो मीठे फल हैं उनमें सब में विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन सी की हम बात करते हैं, तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम आंसर क्या करेंगे, आंवला, वरना नींबू में भी होता है, मौसमी में भी होता है, ठीक है, खट्टे पदार्थों में होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 वर्ष। आगे पूछा गया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है अप्रोक्स में 7.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो समाज और लिख दिए हैं, एक आर्य समाज और एक प्रार्थना समाज, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन जब इसकी स्थापना हो गई थी तो उसके 2 साल बाद गोविंद रनाडे जी इससे जुड़ गए थे, तो इन दोनों का नाम इसकी स्थापना में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स का है कि तारों का चमकना किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आसान सा क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, यानी आप अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 16.5 मीटर। काफ़ी बुक्स में आपको 17 मीटर लिखी हुई मिलेगी, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। यानी आपको जो ऑप्शन में वैल्यू दी होगी वो अप्रोक्स 17 मीटर के आसपास दी होगी। ठीक है, समुद्र में उपस्थित वस्तुओं का पता कैसे लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, एक उपकरण होता है जिसको हम सोनार बोलते हैं, तो सोनार से हम क्या करते हैं, समुद्र में छिपी हुई या उपस्थित वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ। प्यारे बच्चों, ये इमेज है जिसमें आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि नीचे क्या है, एक सबमरीन है, और ऊपर क्या है, एक पानी वाला जहाज है। ठीक है, तो पानी वाले जहाज के ऊपर क्या रखा हुआ है, पानी वाले जहाज में एक सोनार है जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि नीचे कोई वस्तु है या नहीं, और वो आसानी से जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनके माध्यम से पता लगा पा रहे हैं कि नीचे एक सबमरीन है और उनके नीचे जो मछलियाँ वगैरह हैं सबका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये किस पे, ये जो है तरंगों के माध्यम से पता लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तो हमने बात की समुद्र में उपस्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार से, अब हम बात करते हैं समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है, तो ये नापी जाती है फैथोमीटर से। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आपके दो क्वेश्चंस प्रकाश टॉपिक से पूछे गए थे, लाइट वाले टॉपिक से। एक क्वेश्चंस हमें मिल पाया है जिसमें क्या है, आर की वैल्यू आपको गिवन थी और एफ की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो मैंने आपको अभी प्रकाश वाला टॉपिक कराया था, तो मैंने उसमें आपसे क्या कहा था कि एफ बराबर कितना होता है, R/2। ठीक है, आर का आधा होता है फोकस लेंथ जो होती है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आपका गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक से आया है और एक क्वेश्चन आपका मास वे वेट वाले टॉपिक से आया है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप अपने तैयार करते रहिए, जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के किनारे पर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे पूछा है पहला भारतीय जो स्पेस में गया, तो कौन गए भैया, राकेश शर्मा जी गए थे। नोवाक जैकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं? तो किससे करते हैं, सर्बिया से। ठीक है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रखना है ये किससे जुड़े हुए हैं, टेनिस से।
ठीक है, टेनिस प्लेयर है। फुल फॉर्म ऑफ सोनार, तो सोनार की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा व पंजाब की राजधानी क्या है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों की ही राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, चलो किस शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों मुगल शासक थे कौन, औरंगजेब, जिनको जाना जाता है आलमगीर के नाम से। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन संविधान से पूछा गया, हर शिफ्ट में संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सिर्फ क्या पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, ये आर्टिकल क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया कि आर्टिकल 336 किन से रिलेटेड है, तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 336 एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। जितने भी एंग्लो इंडियंस थे उनके जो राइट्स हैं वो हमें बताता है, जैसे कोई एंग्लो इंडियंस यहाँ पर आया और कोई जॉब करना चाहता है तो उसके कुछ स्पेशल अधिकार हैं, ठीक है, स्पेशल राइट्स हैं, तो उनके बारे में वो बताता है। ठीक है, चलो भाई, तो प्यारे बच्चों आज को जो आज के क्वेश्चंस थे वो इतने ही मिल पाए हैं। ठीक है, और जो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ के वही सारे टॉपिक हैं, उनको ही आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद।